हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 10 सर्कल्स करेंगे। सर्कल्स की थ्योरम 10.1। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड ए टेंजेंट एक्स वाई टू द सर्कल एट ए पॉइंट पी। ठीक है, देन हम लिखेंगे टू प्रूव OP इज परपेंडिकुलर टू XY। ये हमारा डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये हमने एक सर्कल लिया है विद सेंटर O, XY एक टेंजेंट है जो कि रेडियस पे एट ए पॉइंट P टच कर रही है। ठीक है, इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक XY पे एक पॉइंट लेंगे Q। ठीक है, जो हमने Q पॉइंट लिया है वो XY पे लिया और हम O को Q से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, O को Q से ज्वाइन कर देंगे। तो अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन में जो हमने कंस्ट्रक्शन की है कि टेक ए पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई, तो वो हम कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे अदर देन पी एंड ज्वाइन ओक्यू। ओक्यू को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे प्रूफ। प्रूफ के लिए हमने क्यू जो पॉइंट लिया है वो एक्स वाई पे लिया है एंड दिस इज आउटसाइड द सर्कल, दैट्स वाई ओक्यू इज ग्रेटर देन ओपी एज ओक्यू इज ग्रेटर देन रेडियस। क्योंकि क्यू ओपी के सर्कल के बाहर है तो नेचुरली वो उसकी लेंथ जो है वो ओपी से बड़ी होगी, मतलब रेडियस से बड़ी होगी। इट मीन्स ओक्यू इज ग्रेटर देन ओपी। सिंस दिस हैपेंस फॉर एवरी पॉइंट ऑन लाइन एक्स वाई एक्सेप्ट द पॉइंट पी, मीन्स अगर हम एक्स वाई पे कोई भी पॉइंट लेते हैं, यहां पे लेते हैं और इनको हम O से ज्वाइन करते हैं, अगर हम इन पॉइंट्स को O से ज्वाइन करते हैं तो वो हमेशा ग्रेटर देन OP होंगी। इट मींस OP इज द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, इट मींस OP इज द शॉर्टेस्ट साइड और हमें पता है कि जो शॉर्टेस्ट साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, दैट्स वाई OP इज परपेंडिकुलर टू XY, राइट।